दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया था 125 cc सुजुकी एसएस, अभी ये सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था आप लोग वो सोच रहे होंगे। ऐसे वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अभी सेकंड वीडियो में बता दे रहा हूं मैं कि ऐसे ये तीसरी गाड़ी है, ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। जब मैं उस टाइम में मेरा चैनल भी नहीं था, मैं वीडियो भी समझ लो जब चैनल नहीं था तो वीडियो बना नहीं रहा था। ये जो प्रॉब्लम है पहले से मैं सॉल्व कर चुका हूं और ये भी सॉल्व हो गया हुआ है। और ये समझ लो वीडियो बना के जो वीडियो मैंने अपलोड किया था तो तुरंत वीडियो मैं बनाता नहीं हूं, वीडियो बना के मैं स्टॉक में रखा हुआ रहता है। तो उसके बाद में जैसे वो प्रॉब्लम 100% प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो वीडियो मैं अपलोड करता हूं, नहीं तो नहीं करता हूं। उसमें क्या होता है जब वो काम सक्सेस हुआ ही नहीं, वो वीडियो अपलोड करके आपको दिखाऊं और आप देखो उसी तरीके आप काम करोगे तो आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुआ ही नहीं तो मेरा वीडियो देख के आपको फायदा क्या हुआ। इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले वो प्रॉब्लम को पहले सॉल्व हो जाता है अच्छी तरह से तो मैं वीडियो को अपलोड करता हूं। अभी वो गाड़ी बना के टाइम हो गया हुआ है, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं 8 तारीख 2019 दसवां महीना, ये समझ ले वीडियो मैं आज के तारीख में बना रहा हूं। ऐसे हमारी वीडियो बना हुआ है कि अभी भी वीडियो है मेरे पास, किसी के 3 महीना हो गया हुआ है, किसी के 6 महीना हुआ है, किसी का 8 महीना हुआ है, किसी के 1 महीना हुआ है, वीडियो अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तुरंत, जो ऑनलाइन जो आप देखते हैं ऑनलाइन जो वीडियो बनाता हूँ वो प्रॉब्लम बहुत सारे से गाड़ी को सॉल्व किया हुआ रहता है तो मैं उसको वीडियो लाइव वीडियो बना देता हूँ। अभी तो बताने जा रहा हूँ गाड़ी के बारे में और गाड़ी के बारे में क्या प्रॉब्लम हुआ था सुजुकी एसएस का। ये जो मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से, क्योंकि आप तो कोई भी पार्ट देख लो, कोई भी जानकारी आप उसमें वीडियो में देख लो तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, जैसे मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं। स्मोक मारना, धुआं मारना, ऐसे मैंने बहुत सारे से वीडियो बना भी है। जैसे आपकी गाड़ी स्मोक मार रही है क्या क्या चीज प्रॉब्लम से होता है। अभी समझ लो एक तो पिस्टन में लाइनिंग आ जाता है, ब्लॉक के अंदर लाइनिंग आ जाता है तभी भी धुआं मारता है, फर्स्ट नंबर ये। सेकंड नंबर वाल गाइड, आपने वाल डाल दिया, गाइड नहीं डाले, वाल सील डाल दिया तभी भी धुआं मारेगा, क्योंकि वाल जो होता है गाइड एक छोटा सा रहता है पित्तल का जिससे, तो उसमें वाल चलता है। अगर उसमें पहले आ गया हुआ है आप वाल सील डाल लिए हो तभी भी गाड़ी धुआं मानना चालू कर देगा। तीसरा, आपने पिस्टन डाल दिया, आपने वाल भी डाल दिए, आप वाल गाइड भी डाल दिए तभी भी गाड़ी आपका स्मोक मारना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है कि क्या होता है जब पिस्टन रिंग कभी डालते हैं तो कभी पिस्टन रिंग बेंड भी हो सकता है, बेंड भी हो जाता है और कभी राउंड बैठ जाता है। तीसरा, कभी जो पिस्टन रिंग होता है कभी नया चीज भी डैमेज रहता है, खराब रहता है, उसका जो टेम्पर होता है टेम्पर किसी का मुलायम से मुलायम रहता है और किसी का हार्ड रहता है। जो हार्ड रहेगा तो आपको स्मोक मारेगा नहीं और जो मुलायम हो रहता है कभी कभी स्मोक मारता है, आप डाल दिए तुरंत स्मोक मारना चालू हो गया तो आप सोचेंगे क्या हो गया। अगर आपके साथ में कभी भी ऐसे हुआ तो आप पिस्टन रिंग को चेंज कर देना चाहिए। अभी जो सुजुकी एसएस में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हेड ब्लॉक पूरा नया था, वो तो आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। इसमें क्या हुआ था कि जो पिस्टन होता है जो ब्लॉक के अंदर, आप कभी भी खोलेंगे देख लेना, पिस्टन के और ब्लॉक और हल्का से पहले उसमें रहता है, ज्यादा नहीं रहता, बहुत हल्का से रहता है। इसमें पहले बहुत ज्यादा था, इतना पहले था कि आप 100 ब्लेड आप उसमें डालेंगे ना तो आर पार हो जाएगा, इतना गैप था।
अगर इतना गैप रहेगा तो पिस्टन रिंग कंट्रोल नहीं कर पाता है और धुआं मारना चालू कर देता है। सुजुकी एसएस में यही प्रॉब्लम था कि ब्लॉक के अंदर जो पिस्टन जो चलता है जिसको बोलते हैं हेड ब्लॉक, हेड अलग हो गया, ब्लॉक अलग हो गया, ब्लॉक के अंदर जो पिस्टन जो चलता है उसमें कैसे है, पिले ज्यादा था इसलिए गाड़ी वो स्मोक मार रही थी, इससे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद भी धुआं मारना चालू हो जाता था। तो इसका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया हूं, अभी भी अच्छी गाड़ी चल रही है। अब इसके ऊपर वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, इसमें यही प्रॉब्लम था कि पिस्टन के अंदर प्रॉब्लम था, मैंने वो चेंज कर दिया, 25 नंबर पिस्टन मैंने इसमें डाला हूं। अब खाली आपको थोड़ा से 2 मिनट का वीडियो है वो आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको गाड़ी चला के दिखाऊंगा, बंद होगा, अब स्मूक गाड़ी नहीं मार रही है। अगर जैसे मतलब हमारे जब मैंने आपको एक तरीका बताया, कभी भी आपके साथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप हमारी वीडियो देख के इजी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों जो गाड़ी धुआं मार रही थी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, अभी ये सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में आपको मैंने इसमें क्या काम किया उसको आपको बताने जा रहा हूं। ये जो पिस्टन है ये ब्लॉक के अंदर पिले था, तो मैंने क्या किया, पिस्टन को चेंज कर दिया, दूसरा पिस्टन डाल दिया, 25 नंबर, ये देखिए नंबर देख लीजिए, पहले ये 25 नंबर मैं डाल दिया हूँ। अभी इसमें जो पिले होता है, पिले नहीं है, पिले किधर किधर रहता है, कौन से साइड में रहता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, कभी भी आपको देखना है तो यहाँ से पिले और यहाँ से पिले नहीं देखने गए, आपको ये साइड से देखना है और ये साइड से देखना है। तो आपको अगर पिस्टन लेके ऐसे इसको दूर से ऐसे करके आप देखोगे तो गैप दिखेगा, इधर दिखेगा गैप या इधर, आपको ये साइड और इस साइड में नहीं दिखेगा। अगर इधर ज़्यादा गैप रहेगा तभी भी गाड़ी आपकी स्मोक मारेगा। अभी जो दूसरा वाला ये सब नया डाला हुआ था तभी प्रॉब्लम था इसमें, तो मैंने पिस्टन चेंज कर दिया, इसको जो स्मोक होता है प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया हुआ है। और जो मैं पिस्टन यूज करता हूँ ये उषा कंपनी का पिस्टन मैं ज़्यादा करके यूज करता हूँ हर गाड़ी में। अभी इसका अभी वीडियो देखेंगे हमारा कोई भी तो बोलते हैं सर इसका प्राइस कितना है, इसलिए प्राइस भी आपको वीडियो के अंदर दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख लीजिए इसका प्राइस है। अभी इसको क्या करूँगा, मैं पूरा गाड़ी के अंदर फिटिंग करूँगा, फिटिंग करने के बाद आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊंगा और उसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला के फिर वापस लाके उसको दिखाऊंगा आपको कि कितनी गाड़ी पहले धुआं मार रही थी बाद में उसके बाद धुआं मारना बंद हो गया। दोस्तों अभी मैंने पूरा इसमें जो पिस्टन है पूरा रिपेयरिंग कर दिया हूँ, अभी किलोमीटर आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको परफेक्ट मालूम पड़ जाना चाहिए कि अभी किलोमीटर चलने के बाद आप गाड़ी धुआं नहीं मारती है। 25067 अभी इतना देखिए किलोमीटर है, अभी इसको चलाएंगे, चलाने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। अभी पहले स्टार्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, धुआं नहीं मारती गाड़ी, अभी देखिए धुआं नहीं मार रही, अभी गाड़ी जा रही है, जाने के बाद कितना किलोमीटर चलता है आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों देखो गाड़ी चला के लेके आया, अभी अभी गाड़ी का जो रनिंग हुआ है आप देख लो, अभी भी गाड़ी स्टार्ट है 25076 किलोमीटर में अभी गाड़ी चल चुकी है। अभी आप गाड़ी स्टार्ट है, देखिए धुआं भी नहीं मार रही गाड़ी, ये देखिए